आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो फोर्थ मेथड है बेटा, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाएंगे सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ध्यान से देखना बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता होगा सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? दैट इज आर एम जी एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अकेला कंपाउंड जिसकी वजह से सर आर के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सर आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एमजी के ऊपर क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज है। एमजीएक्स के ऊपर क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें सर, इन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मेड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं हम किसके साथ सर? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनाने के लिए सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। तो ध्यान से देखा बेटा किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर, साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं किसके? सी एच थ्री एम जी एक्स के साथ, दैट इज सी एच थ्री एम जी बी आर लेके चल रहा हूं बेटा मैं। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे सर। कैटलिस्ट लेने की वजह से क्या होगा सर? रिएक्शन होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक डाउन होंगे सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? यहाँ पे है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप मुझे ये बताओ बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से कौन सा ग्रुप आके कार्बन पे अटैच होगा? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। सी एच थ्री, वेरी गुड बेटा। कौन सा होगा? नहीं बेटा, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है सी एच थ्री। तो ध्यान से देखो बेटा, एम जी बी आर के ऊपर क्या आएगा सर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सी एच थ्री के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा सर? पॉजिटिव वाले पे आएगा, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा सर? सी एच थ्री आएगा। ओ के ऊपर कौन अटैक करेगा सर? एम जी बी आर अटैक करेगा। कंपाउंड किस तरीके का बनेगा सर? कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, सॉरी कार्बोनिल कह रहा हूँ, सी डबल ओ बॉन्ड ओ ग्रुप है हमारे पास, साथ में क्या आ गया सर? सी एच थ्री आ गया। और लास्ट में हमारे पास क्या अटैच है बेटा? ओ के साथ एम जी बी आर अटैच्ड है। इस टाइप का हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। देन हम क्या करते हैं सर? दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। सेकंड स्टेप क्या होगा सर? सेकंड स्टेप में हम क्या करवाते हैं बेटा? सेकंड स्टेप में हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं सर? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस किस लिए करवाते हैं सर? क्योंकि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो H2O के अंदर दो आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो ये आयंस है सर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू MgBr। तो MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था सर, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये बनाएगा बेटा OH नेगेटिव के साथ। दैट इज हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा सर। MgBr जो है, Mg जो है उसने एक बॉन्ड किसके साथ बना रखी है? Br के साथ। एक बॉन्ड किसके साथ बना ली सर? OH के साथ। टू पॉजिटिव चार्ज था, चार्ज इज बैलेंस्ड। साथ में सर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ था, एक तरफ हमारे पास CH3 था, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो गया सर? हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। एंड आप सभी को पता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। दैट इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस जिसको समझ आया बेटा यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्रॉम असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड से किस तरीके से बनाते हैं? असाइल हैलाइड को बेटा हम एसिड हैलाइड भी कहते हैं। एसिड हैलाइड कहते हैं सर। एसिड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है सर? एसिड डेरिवेटिव होता है। एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा कि हमने पढ़ा सर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। साथ में क्या लगाओ सर? OH लगाओ। साथ में क्या लगाओ? एक और कार्बन लगाओ। अगर मैं इस OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे कोई और ग्रुप ऐड कर दूं, देन दैट ग्रुप इज नोन एज एसिड डेरिवेटिव। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH की जगह क्या आ गया बेटा? एक्स आ गया। दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ असाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। तो इसकी रिएक्शन करेंगे सर। इसकी रिएक्शन किस तरीके से करेंगे कि सर हमारे पास क्या है? हमारे पास एसिड हैलाइड तो है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, साथ में क्या लगा हुआ है सर? एक्स लगा हुआ है।
इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर किसके साथ करवाते हैं? कुछ नहीं करवाते बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब सर इसके अंदर कौन कौन से आयंस होंगे? एच पॉजिटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन होंगे। दैट इज ये क्या होता है सर? लूजली बॉन्डेड होता है। दैट इज यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनी हुई है? पोलर बॉन्ड बनी हुई है। पोलर बॉन्ड बनी हुई है सर, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन आएगा सर? यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा सर एच पॉजिटिव को, और ओ एच नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा सर? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। दैट इज यहाँ पे एच एक्स मिलकर क्या बनाएंगे सर? एच एक्स बनाएंगे। साथ में हमारे पास क्या है सर? आर सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कौन आके अटैच हो जाएगा सर? ओ एच आगे अटैच हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। इन दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखो बेटा, एग्जाम्पल कर रहे हैं सी एच थ्री, सी एच थ्री के साथ क्या सर? कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सी एल है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ करवाएंगे? एच टू ओ के साथ करवाएंगे। कौन कौन से आयन है? एच पॉजिटिव है, साथ में ओ एच नेगेटिव है। एच पॉजिटिव सी एल के साथ रिएक्ट करके एच सी एल बनाएगा सर। साथ में हमारे पास क्या आएगा? साथ में हमारे पास सी एच थ्री है सर, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया सर? ओ एच आ गया। इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं सर? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड बुलाते हैं। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, आ गया था आंसर मुस्कान का, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एच एक्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। सबको समझ आ गया है, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो है वो है बेटा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन को आपको पता ही होगा, अल्काइल बेंजीन क्या होती है सर? सबसे छोटी हमारे पास होती है मिथाइल बेंजीन, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं सर? टॉलिन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टॉलिन। देन हमारे पास फर्दर जो भी होती हैं, दैट इज इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, दैट इज द अदर कंपाउंड्स। तो इससे कैसे बनाएंगे सर? इन दिस अल्काइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज। अल्काइल बेंजीन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज कराने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, like alkaline, potassium, permanganate, that is KMnO4, to form respective carboxylic acid. क्या बनाने के लिए सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। तो ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से रिएक्शन होती है, कि सर हमारे पास क्या है? अल्काइल बेंजीन है। योर पॉइंट तो नहीं है ना? हाँ, हमारे पास क्या है सर? अल्काइल बेंजीन है। तो अल्काइल बेंजीन है सर, अल्काइल बेंजीन, दैट इज यहाँ पे हमारे पास बेंजीन होगी। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? अल्काइल ग्रुप लगा होगा। तो जैसे ही हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे सर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, तो यहाँ पे क्या है सर? हमारे पास ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या होगी सर? ऐड होगी किसके अंदर? अल्काइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिमूव होगी सर? हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी सर, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा सर प्यार से, दैट इज बेंजीन ग्रुप। बेंजीन ग्रुप के साथ क्या आ जाएगा सर? COOH आ जाएगा। अच्छा सर, ये रिएक्शन तो हमें समझ नहीं आई, यहाँ पे आपने किस तरीके से कर दिया? तो ध्यान से देखना बेटा, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल है हमारे पास मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोलिन ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर? टोलिन। तो टोलिन लेंगे बेटा, या इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो ये क्या करेगा सर? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा सर, ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड होगी सर, हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिमूव होगी। कहां से होगी सर? मिथाइल ग्रुप से ही होगी। हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी सर, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई सर, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा बेटा, सबसे पहले पहली ऑक्सीजन ऐड होगी। सबसे पहली ऑक्सीजन ऐड कैसे होगी सर? एज एन डबल बॉन्ड, एज एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होगी सर। बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आके कौन बैठ जाएगा सर? ऑक्सीजन आके बैठ जाएगी। दैट इज हमारे पास क्या बनेगा सर? बेंजीनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीनोइक एसिड, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? बेंजीनोइक एसिड ही सुना है सर हमने। तो बेंजीनोइक एसिड तो बन गया सर। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सा कंपाउंड ले लूं सर, कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, दैट इज एक CH3 हमारा क्या होगा? फिक्स होगा। एंड वन एंड टू सेकेंड पोजिशन पे क्या है सर? CH3 है। तो आप मुझे बताओ बेटा, ए वाला CH3 के अंदर से ऑक्सीडाइज होगी या फिर बी वाले CH3 के अंदर से ऑक्सीडेशन होगी? ए वाले से, बी वाले से? अरे बेटा किसी से भी हो,
या तो हम इसको हाँ, अगर मैंने इस एलिमेंट को फिक्स कर दिया तो इस एलिमेंट के फिक्स करने की वजह से बी वाले से होगी। फिर से पूछ रहा हूँ बेटा, जिसको क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर मैं इस सी एच थ्री को फिक्स कर दूं यहाँ पे, दैट इज एन सेंट्रल एटम जिसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी है, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? सी एच थ्री लगा हुआ है। तो मेटा वाले सी एच थ्री के अंदर से ऑक्सीडेशन होगी या फिर इस वाले के अंदर से होगी? जल्दी से बताओ बेटा, ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। मेटा वाले से सर? हाँ, तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कुछ ऐसा सा कंपाउंड आ रहा है और इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसकी हम क्या करवा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाने पे ये भी क्या होता है सर, ऑक्सीडाइज होता है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव होती है और यहां से भी हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है, दैट इज टू मोल्स ऑफ H2 क्या होते हैं सर, रिमूव होते हैं। और साथ में हमारे पास क्या बनता है सर, साथ में हमारे पास ये क्या है सर, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे ऊपर क्या लगा हुआ है सर, ऊपर हमारे पास आ जाएगा COH, एंड मेटा पोजीशन पे भी क्या आ जाएगा बेटा, COOH आ जाएगा, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। नाम क्या होता है बेटा इस कंपाउंड का, कौन बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टेरिथैलिक एसिड भी बोलते हैं क्या, टैलिक एसिड बोलते हैं या फिर टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं बेटा? लास्ट क्लास में ही कराया था ना, टैलिक एसिड होता है सर, नहीं टेरिथैलिक एसिड होता है सर। जल्दी से बताओ बेटा, नहीं सर इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड बेटा, अगर बात करें टाइप ऑफ एसिड की, तो अगर सर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगाओ तो उसे हम क्या कहते हैं, थैलिक एसिड कहते हैं, और पैरा पोजीशन पे लगाओ तो उसे हम क्या कहते हैं सर, टेरिथैलिक एसिड कहते हैं। मेटा वाले को हम कुछ भी नहीं कहते हैं, दैट इज सिंपली क्या है सर, बेंजीन 1,3-डायोइक एसिड। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड बेटा, याद रखने हैं बेटा ये नेम्स, याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे काम आते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। चलो सर ये तो हो गया, अब हमारे पास स्पेस है क्या? स्पेस तो नहीं है, स्पेस की तो कमी है हमारे पास। चलो एक और पूछ लेता हूं मैं आपसे, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मैं पेन को मूव कर रहा हूँ। क्या है सर, हमारे पास बेंजीन रिंग तो थी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, CH2CH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH2CH3। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? दैट इज इथाइल बेंजीन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्पेस है नहीं, अरे स्पेस है ये रहा। दैट इज सर हमारे पास क्या है, CH2CH3 इथाइल बेंजीन है, इसको हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। चलो देख लेते हैं किसी का आंसर आया है या नहीं आया है। आंसर आया है बेटा मिथाइल बेंजिनोइक एसिड, नहीं है, ओके C6H5COH CH3। वेरी गुड बच्चों, लगभग सभी बच्चों का आंसर आया। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि अगर ऑक्सीडेशन होगी, ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, ऑक्सीडेशन के अंदर डाउट आता है बच्चों को कि सर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन कौन से कार्बन की होती है सर? ऑक्सीडेशन सिर्फ उस कार्बन की होती है जो कार्बन क्या हो सर, डायरेक्टली अटैच हो,
जो कार्बन क्या हो सर डायरेक्टली अटैच हो, किससे सर डायरेक्टली अटैच हो बेटा बेंजीन रिंग से, जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है बेटा सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है, दैट इज सर ये वाला कार्बन क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा सर ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सर इसका क्या होगा यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास सी एच थ्री है, यहाँ से क्या होगी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी साथ में क्या निकलेगा सर सी एच थ्री निकलेगा, सी एच थ्री और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे बेटा मिथेन गैस बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर मिथेन गैस बनाएंगे, साथ में हमारे पास बचा क्या है सर साथ में हमारे पास बचा है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर सर एक कार्बन होगा, एक कार्बन क्या कर लेगा सर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन बेटा इसके एक हाइड्रोजन के बीच में आगे क्या हो जाएगी बैठ जाएगी, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा, और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा मिथेन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी सर मिथेन गैस, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन, जो कार्बन बेटा डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से सिर्फ वही कार्बन क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, तो ये पार्ट बेटा जिस चीज को समझ आया है जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, बिकॉज इट्स स्टेबल बाय रेजोनेंस, वेरी गुड बेटा, क्योंकि सर ये क्या होता है स्टेबल होता है रेजोनेंस से, ओके चलो फिर आगे बढ़े, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ चुके हैं हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज एग्जिस्टेंस, कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं सर, तो एग्जिस्ट कैसे करते हैं बेटा दे आर कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, ये क्या होते हैं सर कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विद पंजेंट स्मेल, लिक्विड स्टेट में कौन से पाए जाते हैं बेटा जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तो जो छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं कलरलेस होते हैं लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, स्मेल कैसी होती है पंजेंट होती है, बात करें बेटा द हायर मेंबर्स, हायर मेंबर्स क्या होते हैं ऑयली लिक्विड्स होते हैं एंड स्टिल हायर, और उनसे भी जो हायर मेंबर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स वैक्स देखा है ना वैक्स बालों में लगाने वाला जो टाइट हो जाता है वो वाला, तो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं सर, तो ये क्या थी बेटा एग्जिस्टेंस थी किसकी सर कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड पंजेंट स्मेल, हायर मेंबर्स आर ऑयली लिक्विड्स एंड स्टिल हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स, बात करें सेकंड की तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा सर सेकंड हमारे पास एज यूजुअल सर सेकंड कहां सर अभी तो सोल्युबिलिटी आ रही है, तो सेकंड हमारे पास क्या है सर सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी पढ़ लेते हैं, फर्स्ट फोर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन H2O, दैट इज पहले जो चार मेंबर्स होते हैं, पहले चार मेंबर्स कौन से सर फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड कोमा नहीं आएगा इथेनोइक एसिड और साथ में क्या आएगा सर प्रोपेनोइक एसिड CH3CH7COH मिथेनोइक एसिड, तो ये जो चार मेंबर्स होते हैं बेटा ये H2O के अंदर क्या होते हैं आसानी से सोल्यूबल होते हैं, बट एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन का नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी क्या होने लग जाती है सर कम होने लग जाती है बिकॉज ऑफ नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज, क्योंकि नॉन पोलर ग्रुप क्या हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है, अरे सर नॉन पोलर ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान से देखो बेटा हम बात करें HCOOH की, इसके अंदर नॉन पोलर ग्रुप कौन सा सर कार्बन है बाकी तो पोलर है, बात करें सर इसकी तो इसके अंदर क्या है सर दो नॉन पोलर ग्रुप आ चुके हैं सी डबल बॉन्ड OH, तो ये जो कार्बन बढ़ता जा रहा है बेटा इसे हम क्या कह रहे हैं नॉन पोलर पार्ट कह रहे हैं, जब तक ये C3 तक बढ़ता रहेगा तब तक तो ऐसा ठीक, लेकिन जैसे इससे आगे जाएगा C4 C5 C6 तो हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या होने लग जाएगी कम होने लग जाएगी, बिकॉज नॉन पोलर पार्ट क्या होता जा रहा है बेटा एड होता जा रहा है, ये यहाँ पे बताया गया, तो सोल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल मेंबर्स इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो स्मॉलर मेंबर्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी क्यों होती है सर इनके अंदर भी तो कार्बन है ना, इनके अंदर भी कार्बन है तो इनके अंदर किस लिए होती है बेटा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या होती है सर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, इनके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम क्या करता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होगा तीन ही एलिमेंट से होती है दैट इज FON, तो ये थी बेटा सोल्युबिलिटी की कहानी, यहाँ तक जिस चीज को समझ आ गया है एक बार यस टाइप कर दीजिए, डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन होता है बेटा दो पार्ट्स में टूटना,
पॉलीमराइजेशन का मतलब आपको पता होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत सारे पार्ट्स, और मराइजेशन मतलब बहुत सारे सिंगल सिंगल यूनिट्स के अंदर ब्रेकडाउन होना। तो ध्यान से देखो बेटा, डाइमराइजेशन क्या होता है? डाइमराइजेशन में आपको फटाफट बता देता हूँ, हमारे पास क्या है सर, ए टू है, ये दो सिंगल पार्ट्स के अंदर क्या हो गया सर, ब्रेकडाउन हो गया, दैट इज नोन एज डाइमराइजेशन। डाई का मतलब क्या है सर, दो, मर मतलब सिंगल, राइजेशन मतलब टूट गया, दो सिंगल पार्ट्स के अंदर टूट गया, ए टू जो है वो दो सिंगल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, दैट इज नोन एज डाइमराइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाइयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर? ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा। एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। और हमें पता है सर, सरफेस एरिया के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। बात करें बेटा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? नेक्स्ट हमारे पास आगे पढ़ेंगे। अच्छा सभी मुझे ये बताओ कि अगर स्टेरिक इंडेंस आ जाए तो स्टेरिक इंडेंस की वजह से कुछ होगा क्या इसके ऊपर इफेक्ट? हमें पता है स्टेरिक इंडेंस अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, पर क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्टेरिक इंडेंस का कोई इफेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या है सर? हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा होगा सर? CH3 लगा होगा। इसके साथ क्या लगा होगा सर? CH3 लगा होगा। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हो सर? एक कार्बन तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, और हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या सर? स्टेरिक इंडेंस बढ़ चुकी है। जैसे जैसे स्टेरिक इंडेंस बढ़ेगी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे खुल जाए, दैट इज कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे क्या है सर? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में क्या है? OH है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये बातें सभी को समझ आई है? तो जल्दी से यस टाइप करेंगे, देन मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा। वेरी गुड बच्चों। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। शो अनयूजुअल बिहेवियर। क्या करते हैं सर? अनयूजुअल बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे दैट इज जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। दे हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पोजेसेस लो मेल्टिंग पॉइंट। जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं वो तो क्या दिखाते हैं सर? लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। जबकि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दैट इज ये हमारे पास हो गया। तो इट इज ड्यू टू इनसिमेट्रिकल नेचर। तो मैंने आपको पहले भी करा चुका है बेटा, पहले भी करा चुका हूँ। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? सिमेट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सिमेट्रिक कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसे मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसे मेल्ट करना क्या होगा सर? डिफिकल्ट होगा। तो अगर बात करें हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, इसकी सर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, दैट इज सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, साथ में क्या है सर? OH है। साथ में क्या है सर हमारे पास? कार्बन कार्बन कार्बन। चार नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, फोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है सर, फोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, देयर इज अ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी होगी तो सर यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा सर? इससे रिस्पेक्टिवली ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, दैट इज सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर? OH है। साथ में क्या सर? एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। इसके क्या होंगे सर? इसके हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कम होगा।
यहाँ पे इन्होंने डाटा भी दे रखा है, डाटा कितना दे रखा है सर, डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, 251 केल्विन होगा सर किसका, प्रोपेनोइक एसिड का, क्या सर, मेल्टिंग पॉइंट, जबकि 367 केल्विन होगा सर किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का, क्या सर, मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो ये पार्ट बेटा जिस चीज को समझ आया है जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सर एच अपर वाला तो कीटो ग्रुप है, कहाँ बोल रहे हो बेटा आप, अरे यहाँ पे क्या आएगा सर, ओ एच आएगा, वेरी गुड बच्चे, याद तक समझ आ गया बेटा, वेरी गुड बच्चों। चलो मैं भी पूछूं, एक मैं भी पूछ लेता हूं, कहां पूछूं, हाँ यहाँ पे, ये बेटा हमारे पास ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, इनके अंदर सबसे पहले आप मुझे मेल्टिंग पॉइंट बताओगे किसका ज्यादा होगा, फिर आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट बताओगे किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ बेटा। बेटा हेक्सेनोइक एसिड का पेंटेनोइक एसिड से ज्यादा होगा, ऑक्टेनोइक एसिड का हेप्टेनोइक एसिड से ज्यादा होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ए का और बी का, बॉइलिंग पॉइंट बी का, वेरी गुड बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट बी का होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बी का ज्यादा होगा, वेरी गुड बेटा। तो ध्यान से देखो सरफेस एरिया इसके अंदर कैसा ज्यादा है, इसके अंदर दो तीन चार कार्बन आइटम है, इसके अंदर से तीन ही कार्बन आइटम है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर, बी का। एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सर इसके अंदर क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इसके अंदर क्या है सर, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, दैट इज सर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बी का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। तो यहाँ तक की कहानी हम क्या कर चुके हैं सर, खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या आ रही है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेटा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा इस पार्ट को। तो मेन फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय देम, ज्यादातर हमारे पास क्या होती है सर, चार टाइप्स की रिएक्शन दिखाई देती है, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप सभी को पता है एसिड है तो क्या करेगा, एसिड है तो अपना रंग दिखाएगा, क्या रंग दिखाएगा सर, एसिड क्या होते हैं, सोजर एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, तो एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, साथ में क्या है सर, कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो एच पॉजिटिव है सर ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली शोज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या दिखाता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर भी हमें दिखाता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज जो कि बेटा दिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया CH3COH क्या करेगा सर, एच पॉजिटिव आयन को अलग कर देगा, साथ में क्या आएगा सर, CH3CO नेगेटिव और साथ में क्या आएगा सर, एच पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो हमारे पास एसिडिक आयन है That is CH3. CH3 के साथ क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, ऑक्सीजन लगी हुई है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन लगी हुई है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। आप मुझे ये बताओ बेटा क्या ये रेजोनेंस शो करेंगे, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी, क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे, जल्दी से बताओ बेटा क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यस सर क्या होगा, रेजोनेंस होगा,
ये और पूछ लिया जाता है बेटा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस होता है, तो बिल्कुल होता है बेटा। अगर उसके अंदर से एच पॉजिटिव आयन को निकाल लिया जाए तो सर इसके पास क्या है, एक दो तीन चार पांच, और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है सर इसके पेयरिंग के अंदर है। तो ये कार्बन क्या कर सकता है सर, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके सर डबल बॉन्ड बना सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं सर डिलोकलाइज हो सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या तो सर हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है सर। ये पॉइंट था जो मैंने बता दिया, क्योंकि ये आ जाता है कई बार नीट के अंदर आता है बेटा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मुझे अच्छा इसके अंदर एक और चीज कर लेते हैं, CH3COH तो है ही, तो इसमें आपने एक इक्विलिब्रियम में काफी बार पढ़ा होगा, इसी एग्जांपल को उठाते हैं और बार बार कराते हैं कि सर ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये पार्शियली डिसोशिएट होता है, ये वापस से बना सकते हैं ये चीज। तो इसके लिए हमारे पास एक डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड है तो एसिड का डिसोशिएशन होगा सर, दैट इज डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो क्या मुझे कोई बता सकता है डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड कितना होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, वेरी गुड बेटा। चलो ये और बता देता हूं मैं, यहाँ पे क्या होता है सर CH3COH है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो सर यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आता है CH3CO नेगेटिव आता है, दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन। ये काफी जाना पड़ेगा मुझे डीप, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, दैट इज KF अपॉन KB एंड RF AB और उसके बाद फिर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, उन सबको मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना बेटा। अगर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछ लिया जाए एसिटिक एसिड का तो क्या हुआ सर CH3CO नेगेटिव, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CH3COOH। ये क्या होती है बेटा KA की वैल्यू होती है, जितनी ज्यादा KA की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा एसिडिक होगा, और जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतना ही कम क्या होगा बेटा एसिडिक होगा। दैट आर द टू पॉइंट्स आई थॉट आई शुड डिस्कस, तो मैंने कर लिए बेटा। तो अब हम करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस, वापस से ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, फिजिकल में घुस गए थे जल्दी से। हाँ, इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CH3COH देन वी हैव, अच्छा ये दे भी रखा है, हाँ CH3COH H2O के अंदर डिसॉल्व करेंगे सर CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव जो है वो H2O के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्या बना लेता है सर H3O पॉजिटिव, दैट इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और जैसा कि हमने अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टील लोरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, दैट इज H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, और ब्रोंस्टील लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले या फिर प्रोटोन को डोनेट करने वाले, प्रोटोन के ऊपर थ्योरी बेस्ड थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिगार्डेड एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड की तरह रिगार्ड किया जाता है, वी कैन राइट इट्स एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट एज रिटन बिलो, जैसा कि मैंने पीछे ही लिख दिया था, ये रहा बेटा। और क्या है, इट इज सीन दैट हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एंड पीके किसके इक्वल होता है सर माइनस लॉग के इक्वल होता है, इसीलिए हायर द वैल्यू ऑफ पीके वीकर इज द एसिड। अरे तो सारा लिखा हुआ था। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी रिएक्शंस को। रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन आ रही है वो आ रही है सर रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल कैसे करेगा सर, रिएक्शन विद मेटल के लिए CH3COH, ये आप सभी को पता है मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो मेटल होगा जिसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए या लेस रिएक्टिव होना चाहिए। कुछ नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, पीके क्या है सर, अरे बेटा इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा उसके लिए, प्योर ऑर्गेनिक खत्म करते हैं, बता दूंगा मैं, अलग से क्लास ले लें संडे को तब बता दूं। तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए सर, लेस रिएक्टिव होना चाहिए बेटा, बिकॉज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यही तो पढ़ा हुआ है हमने डिस्प्लेसमेंट के अंदर। काशीनाथ का आलू जरा फीके से पकाता है, एच के बाद वाले नहीं करेंगे सर, एच के पहले पहले वाले करेंगे। दैट इज सर यहाँ पे मैं सोडियम की रिएक्शन करवाऊँ तो एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर, अलग हो जाएगा, एच पॉजिटिव अलग हो गया सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा CH3COO
और साथ में क्या आएगा सर एन ए अटैच हो जाएगा। अब सर एन ए अटैच तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या है सर हमारे पास एच पॉजिटिव आयन ऐसे तो पड़ेगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए सर टू मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी एन ए लेने पड़ेंगे, टू मोल्स ऑफ एन ए लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या सर टू मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी एन ए आएगा और एच टू गैस क्या होगी रिमूव होगी, एच टू गैस क्या होगी सर रिमूव होगी, दैट इज अ रिएक्शन विद मेटल। अगर बात करें बेटा अल्कलीज के साथ, अल्कलीज क्या होते हैं कौन बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कलीज? हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ते थे सारे रिएक्शन है ना, अल्कलीज क्या होती है बेटा? मोर मेटल रिएक्टिविटी सोल्यूबल बेसिस, हाँ वो बेसिस बेटा जो वाटर के अंदर क्या हो जाए सोल्यूबल हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं सी एच थ्री सी ओ एच की किसके साथ करवाऊं सर एन ओ एच के साथ, तो कौन बताएगा मुझे क्या रिएक्शन होगी सर? अरे सभी को पता होगा अब तो, ये क्या है सर एसिड है, ये क्या है बेस है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं सर वाटर बनाते हैं, वाटर बनाते हैं सर साथ में क्या बनता है सोल्ट बनता है, सोल्ट कैसे बनेगा सर इसके ऊपर नेगेटिव आयन इसके ऊपर पॉजिटिव आयन क्या होगा सर सी एच थ्री सी ओ ओ एन, ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा सोल्ट बनेगा। चलो मैं और पूछता हूँ तुमसे, अगर बेटा हम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ सर बाई कार्बोनेट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा बाई कार्बोनेट क्या होता है कौन बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय बाई कार्बोनेट? वेरी गुड H2O NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दो सोडियम और साथ में क्या हो सर कार्बोनेट, उसे हम क्या कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा बेटा कौन बताएगा? H2CO3, नहीं सर हाँ वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बता रहे होंगे बेटा, दैट इज बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी गुड। CH3CN, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, आता है तुम्हें मतलब इसका, इसका मतलब तुम्हें आता है। तो यहाँ पे सर सबसे पहली बात तो हमें मोल्स कितने लेने पड़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे सर Na के ऊपर कितना चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा सर वन नेगेटिव आएगा, मतलब इसके हमें कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, दो मोल्स लेने पड़ेंगे, दो मोल्स लेंगे तो दो हाइड्रोजन आएगी, दो हाइड्रोजन बेटा एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी H2O बनाएगी, क्या बनाएगी सर H2O। साथ में क्या होगा सर साथ में हमारे पास CO2 गैस क्या होगी रिमूव होगी, CO2 गैस भी रिमूव होगी सर। साथ में क्या आएगा सर साथ में हमारे पास CH3 है, CH3 के साथ सर कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके दो मोल्स थे तो दो मोल्स थे तो यहाँ पे क्या जाएगा सर दो मोल्स ऑफ एन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सोल्ट बनेगा वाटर बनेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। तो ये भी बेटा सभी को आ चुका है। तो ये थे बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है कौन सर, हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस कौन से होते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड में विद मेटल्स अल्कलीज या फिर बाई कार्बोनेट्स। तो ये पार्ट बेटा जिस जिसको समझ आया है जल्दी से यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। ऑर्गेनिक आसान हो गई, वेरी गुड बच्चों सभी को समझ आ गया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, जिसके अंदर क्या आ रहा हो सर OH ग्रुप आ रहा हो, OH ग्रुप के साथ किस तरीके से इन्वॉल्व होगा, तो OH ग्रुप के साथ किस तरीके से इन्वॉल्व होगा वो ध्यान से देखना बेटा। इन दिस वी रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद कंपाउंड्स लाइक PCl5 PCl3 SOCl2। कहां कहां पढ़ा है सर हमने, ये हमने पढ़ा है बेटा हैलोजेंस में पढ़ा है, ये हमने एल्कोहल में पढ़ा है, और अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो आया एल्डिहाइड उसके अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करी थी अल्काइल हैलाइड की, यहाँ पे भी हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, उसके अंदर हमने क्या कराई थी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करवाई थी, इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी सर एसिड क्लोर एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी सर एसिड हैलाइड की। जनरल रिएक्शन में आपको बता देता हूँ RCOOH इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर किसके साथ करवाएंगे, सबसे पहले हम करवाएंगे बेटा PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ करवाएंगे सर यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके थ्रू हो जाएगा सर किसके थ्रू हो जाएगा क्लोरीन के थ्रू हो जाएगा, तो हाइड्रोजन सर क्लोरीन के साथ क्या होगा HCl बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गया है सर यहाँ पे कौन आएगा क्लोरीन आएगा दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बनेगा अच्छा दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये जो OH ग्रुप के साथ जाएगा ना ये ऑक्सीजन भी निकलेगी क्या बेटा, चलो इसको छोड़ते हैं एक बार, H गया सर HCl के साथ, साथ में हमारे पास क्या बचा सर साथ में हमारे पास बचा है PCl4,
PClF4 बच गया, तो एक क्लोरीन अटैच होगी सर। एक क्लोरीन कहाँ पे अटैच होगी सर? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? हाइड्रोजन आएगा, सॉरी Cl आएगी। अब बची क्या सर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बच गई ना, और साथ में क्या बचा है? PClF3 बचा है। तो ये बेटा यहाँ पे क्या बना लेते हैं? POCl3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? POCl3। तो कौन बच्चा मुझे बताना चाहेगा POCl3 क्या होता है? What do you mean by POCl3? Very good बेटा, cleavage of OH bond, very good. POCl3, very good. Hello alkane नहीं होगा बेटा, acid chloride होगा. Phosphoric chloride, very good बेटा. इसे हम क्या कहते हैं? Phosphoric chloride कहते हैं. तो ये बेटा general reaction with PCl5. एक और कर लेते हैं, या फिर मैं reaction ही करा देता हूँ. That is sir, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? CH3COH ले रहा हूँ. ये example मैं करा चुका हूँ अभी अभी. सर इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, तो क्या होगा सर? यहाँ पे हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेकडाउन होगी, OH बॉन्ड ब्रेकडाउन होगी, हाइड्रोजन Cl के साथ में क्या मिलके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। साथ में सर यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 है, CH3 के साथ कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा? क्लोरीन, और एक ऑक्सीजन बाहर होकर क्या बना लेगा सर? POCl3 बना लेगा, दैट इज फॉस्फोरिक क्लोराइड। सेकेंड जो रिएक्शन है सर, सेकेंड रिएक्शन हम करवा लेते हैं CH3COH की PCl3 के साथ। तो PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? कौन बताना चाहेगा मुझे? जल्दी से बेटा, H3PO3, वेरी गुड बेटा पल्लवी गांस, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्या सर? हमारे पास तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन क्या हो सकते हैं सर? सब्स्टिट्यूट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? तीन क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन क्या हो सकती है? सब्स्टिट्यूट हो सकती है। कैसे होंगी सर? दैट इज द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तीन मॉलिक्यूल किसके चाहिए सर? CH3COH के चाहिए। अच्छा सर, इससे क्या होगा? इससे हमारे पास क्या हुआ सर? CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या आएगी सर? क्लोरीन आएगी। तीन क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन आएंगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? तीन मॉलिक्यूल ये चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये भी कितने रिलीज होंगे? 3 moles of OH रिलीज होंगे। तो 3 moles of OH, दैट मीन्स H कितने हमारे पास? 3 है। O कितने सर? O भी 3 है। और बीच में क्या बचा हुआ है सर? P बचा हुआ है। H3PO3 बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? H3PO3। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO3? H3PO3 का क्या नाम होता है बेटा? एंड 3H CH3COL, वेरी गुड बेटा पल्लवी। फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज सर ये पूछने वाली बात है। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं सर, दैट इज CH3COH, जिसे हम कहते हैं डार्जन्स मेथड। क्या कहते हैं सर? डार्जन्स मेथड, अगर हम उसको किसी और प्रोडक्ट के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है सर? बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी क्या होती है? गैसेज निकल जाती है। तो सारी की सारी गैसेज निकलती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम SOCl2 बोलते हैं। SOCl2 के साथ हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कौन बच्चा मुझे बताना चाहेगा कौन सी रिएक्शन होगी? CH3COCl, वेरी गुड बेटा। COCl तो नहीं आएगा, COCl आएगा, वेरी गुड। सी डबल बॉन्ड OOCl नहीं आएगा, दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास क्या है? SO है। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो बात बन जाए, क्या बनाएगा सर? SO2 गैस बनाएगा। साथ में क्या है सर? यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है सर? एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, क्या बनाएगा सर? HCl बनाएगा। HCl भी कैसी बनेगी सर? गैसियस बनेगी। कैसी बनेगी? गैसियस। ये भी क्या होगी? गैसियस बनेगी। दोनों गैस रिलीज हो जाएंगी, बचेगा क्या सर? बचेगा हमारे पास CH3, साथ में कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हमारे पास क्या है सर? यहाँ पे आके क्लोरीन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा सर? एसिड क्लोराइड बनेगा। दैट आर द कंप्लीट रिएक्शंस, जिसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट है बेटा? OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये रिएक्शन बेटा, जिस जिसको समझ में आई है जल्दी से यस टाइप करेगा। समझ गए जैसे सर, हमने आपको समझाई है, वेरी गुड बच्चों। तो आज की क्लास हम रखेंगे इतनी ही। कल की क्लास में बेटा ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा।